स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मींस पर्यावरण के घटक. देन नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर. एवरी ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय मेनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. दीज इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड सॉइल, एयर, वाटर, temperature, sunlight, wind and many other like things. These influences are commonly referred to as environmental conditions. प्रत्येक जीव कई बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है. इन प्रभावों में मिट्टी, हवा, पानी, तापमान, धूप, हवा और कई अन्य चीज़ें शामिल हैं. इन प्रभावों को आमतौर पर पर्यावरणीय परिस्थितियों के रूप में जाना जाता है. The term environment refers to the surrounding or conditions within which a person, animal or a plant exists. पर्यावरण शब्द से तात्पर्य उस परिवेश या परिस्थितियों से है जिसके भीतर एक व्यक्ति, जानवर या एक पौधा मौजूद होता है. It is a combination of natural and human-made phenomena. Natural environment means both biotic and abiotic conditions existing on earth. यह प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का एक संयोजन है. प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ है पृथ्वी पर बाहर निकलने के लिए जैविक और अवैजिक दोनों स्थिति में. Human environment refers to activities, creation and interactions among different human विंग्स. मानव पर्यावरण का तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं के बीच गतिविधियों, कृतियों और अंतः क्रियाओं से है. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द मैन मेड एनवायरनमेंट. पर्यावरण के घटक. प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण शामिल हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑक्यूर्स नेचुरली ऑन अर्थ. द मेन मैड एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स विच डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन मेन एंड नेचुरल इजी पार्क डैम इटीसी. प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित और गैर जीवित चीज़ें शामिल हैं जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से होती हैं. मानव निर्मित पर्यावरण में वे तत्व होते हैं जो मनुष्य और प्राकृतिक के बीच पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं, जैसे पार्क, बांध आदि. आप सभी को एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें नंबर 1 पर दिया गया है नेचुरल. नेचुरल में बायोस्फीयर मींस लिविंग थिंग्स, लिथोस्फीयर मींस लैंड, एटमॉस्फेयर जिसमें एयर आता है और हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर. नंबर 2 पर दिया गया है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित वस्तुएं, या फिर हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित किए गई चीज़ें, जैसे बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स. नंबर 3 पर आपको दिया गया है ह्यूमन. ह्यूमन मीन्स मानव. मानव आपको सभी जगह दिखाई दे सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन. नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स प्राकृतिक पर्यावरण. नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. द नेचर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स. नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 2 एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. लेट अस वेरीफाई डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. प्राकृतिक पर्यावरण एक जीव के प्राकृतिक वातावरण में वे तत्व होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं. प्राकृतिक वातावरण 2 प्रकार के घटकों से बना है. नंबर 1 जैविक
घटकों, नंबर टू अजैविक निर्जीव घटकों से बना है। आइए हम इन दो प्रकार के प्राकृतिक वातावरण पर संक्षेप में चर्चा करें। नंबर वन, बायोटिक एनवायरनमेंट। द बायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेज लिविंग बींग्स अलाइक माइक्रो ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। दिस इज आल्सो नोन एज लिविंग और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैविक पर्यावरण में मनुष्य सहित सूक्ष्म जीव, पौधे और जानवर जैसे जीव शामिल हैं, जिसे जीवित या जैविक पर्यावरण के रूप में भी जाना जाता है। अबायोटिक एनवायरनमेंट दिस कंप्राइजेज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टराइज्ड इट इज डिवाइडेड टू। अजैविक पर्यावरण, इसमें पर्यावरण में ऑर्गेनिक या निर्जीव चीज़ें शामिल हैं। भौतिक स्थिति और विशेषता के आधार पर इसे भी विभाजित किया जाता है। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। स्थल मंडल, पृथ्वी की सतह बनाने वाली चट्टानों की ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स और स्टोन्स एंड स्फेयर मीन्स डोमेन, सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब एज रॉक स्फेयर। शब्द लिथो का अर्थ है चट्टानों या पत्थरों और गोले का अर्थ है क्षेत्र से, इसलिए इसे लिथोस्फेयर शब्द को चट्टानों के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। द एवरेज थिकनेस इज मोर इन द कंटेनेंट्स एज कंप्रेस्ड टू द ओसिन। स्थल मंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किमी है। महाद्वीप की तुलना में औसत मोटाई अधिक है। महासागरों, जैसे वी लीव ऑन दिस हार्ड आउटर शेल ऑफ द अर्थ ऑल विजिबल लैंडफॉर्म्स विच इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेटिन्यूड्स, प्लेन्स इटीसी। हम पृथ्वी के इस कठोर बाहरी आवरण पर रहते हैं। सभी दृश्यमान भू आकृतियों जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि शामिल हैं आर पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेयर। ये सभी किसके भाग बने हुए हैं? स्थल मंडल के। लिथोस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई आल्सो कम्स फ्रॉम दिस स्पेस ओनली। स्थल मंडल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग न केवल इसके लिए अपना घर बनाते हैं, अधिकांश खाद्य आपूर्ति भी इसी क्षेत्र से आती है। हाइड्रोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। हाइड्रोस्फेयर मीन्स जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो पानी से ढका हुआ। द वाटर ऑन द अर्थ फाउंड इन ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स एटसेट्रा एंड इन द फॉर्म्स ऑफ आइस, स्नो टुगेदर मेक द हाइड्रोस्फेयर। इट ऑक्यूपाइज ए मेजर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड हैज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। समुद्रों, झीलों, नदियों आदि में पाई जाने वाली पृथ्वी पर पानी और बर्फ के रूप से मिलकर जलमंडल बनाते हैं। यह पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है और इसका अपना महत्व है। पृथ्वी की सतह 70% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। क्या हम बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते? द रेन वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ रिवर क्वेंसेज द थर्स्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। द रेन वाटर थ्रू रिवर्स अल्टीमेटली रिचेज ऑफ ओशंस। नदी के रूप में वर्षा जल
जानवरों, पक्षियों, पौधों और मनुष्यों की प्यास बुझाता है। नदियों के माध्यम से वर्षा का पानी अंततः महासागरों तक पहुंच जाता है। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लेनेट्स। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एनवलप ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमोसफेयर। वायुमंडल। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है जिस जीवन का समर्थन करने की इसकी क्षमता इसे अन्य सभी ग्रहों से अलग बनाती है। पृथ्वी हवा के एक लिफाफे से घिरा हुआ है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमोसफेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किमी तक फैला हुआ है लेकिन वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा पृथ्वी पर रखा गया है। यह अणुओं के मिश्रण से बना है। ए मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इन ए फ्री स्टेट। गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। अणु एक मुक्त अवस्था में किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। गैस के अणु सभी दिशाओं में बेहतर तीव्र ढंग से चलते हैं। बायोस्फेयर। द थ्री स्फेयर लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर मीट टू फॉर्म ए नैरो जोन ऑफ इंट्रैक्शन। द बायोस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ देयरफॉर इज इंक्लूड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट। जैविक क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। एक संकीर्ण क्षेत्र के रूप में मिलते हैं। जीवमंडल जो जीवन का समर्थन करता है, इसीलिए इसमें जैविक और अजैविक वातावरण शामिल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दिस वेरी जोन। द बायोस्फीयर इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ। सभी जीवित जीव, पौधे और जानवर इस बहुत ही क्षेत्र में रहते हैं। जीव मंडल पृथ्वी की एक अनूठी विशेषता है। दिस जोन ऑफ लाइफ एक्सटेंड्स फ्रॉम स्लाइटली बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड इन द वाटर टू स्लाइटली अबव द सरफेस इनटू द एयर। जीवन का यह क्षेत्र जमीन की सतह से थोड़ा नीचे, पानी में सतह से थोड़ा ऊपर, हवा में फैलता है। विथ इन द बायोस्फीयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनाइज्म एग्जाम्पल द प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर इंटरडिपेंडेंट। द प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स लाइक ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जीव मंडल के भीतर सभी जीवित जीव अर्थात उत्पादक, उपभोक्ता और विघटित करने वाले परस्पर निर्भर हैं। हरे पौधे जैसे उत्पादक या स्वपोषक पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स एंड आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेटरोट्रोपस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस आर थ्री काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। लगभग सभी अन्य जीवित प्राणी पौधों पर अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं और उपभोक्ताओं या विषम पोषणजों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीन प्रकार के उपभोक्ता हैं। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनाइज्म लाइक बैक्टीरिया विच लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिकम्पोजर्स विघटित हो जाना बैक्टीरिया जैसे जीव हैं जो मृत जानवरों और पौधों के टूटने की ओर ले जाते हैं।
Energy is transferred from one living thing to another in the form of various food chain, and many different food chains link up to form food webs. All the food webs are delicately balanced. So, one link in the web is destroyed, all the other organized will be affected. ऊर्जा को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में एक जीवित वस्तु से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और कई अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएँ खाद्य जाले बनाने के लिए एक लिंक करती हैं. सभी खाद्य जाले नाजुक रूप से संतुलित हैं क्योंकि वे जाले में एक लिंक नष्ट हो गया है, लेकिन अन्य सभी जीव प्रभावित होंगे. फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स शारीरिक और जैविक पर्यावरण. म्यूचुअल रिलेशनशिप पारस्परिक संबंध. इफ़ वी स्टडी द लाइफ ऑफ पिग्माई ट्राइब लिविंग इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो रिवर वी विल फाइंड दैट देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टाइल इज गवर्नड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट. यदि हम कॉन्गो नदी के बेसिन में रहने वाले पिग्मी जनजाति के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम पाएंगे कि उनके शरीर की संरचना और जीवन शैली भौतिक वातावरण द्वारा संचालित होती है. वाइल देयर फूड हैबिट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. जबकि उनके भोजन की आदतें और आर्थिक गतिविधियां जैविक पर्यावरण से संचालित होती हैं. Their life as a whole is fully dependent on both of them. एक पूर्ण रूप से उनका जीवन इन दोनों पर पूरी तरह से निर्भर है. Factors like excessive rains, dense forests, high temperature force of them to live on trees. अत्यधिक बारिश, घने जंगल, उच्च तापमान जिसके कारण उन्हें पेड़ों पर रहने के लिए मजबूर करते हैं. लीक ऑफ एरेबल लैंड बट पैलेंटी ऑफ एनिमल्स एंड डेंस ट्रीज इंस्पायर देम टू एडॉप्ट द प्रोफेशंस ऑफ हंटिंग एंड वुड कटिंग. कृषि योग्य भूमि की कमी, लेकिन बहुत सारे जानवर और घने पेड़ उन्हें शिकार और लकड़ी काटने के पेशे को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. मैन फुलफिल्स हिज बेसिक नेसेसिटीज फ्रॉम द नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज. मनुष्य स्वाभाविक रूप से उपलब्ध संसाधनों से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है. एज ही एक्सप्लॉइट्स द रिसोर्सेज सरकमस्टेंसेस चेंज फिजिकल अपीयरेंस एल्टर्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट वेरीज थस बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कीप ऑन इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. जैसे जैसे वह संसाधनों का दोहन करता है परिस्थितियां बदलती हैं, भौतिक रूप बदल जाता है और भौतिक वातावरण बदलता रहता है. इस प्रकार जैविक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता रहता है. इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज दैट आर इंटरडिपेंडेंट and interlinked with each other and with the physical environment in which they reside for intense forests, grasslands, deserts, etc. एक पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीवित जीवों के बीच से बनता है जो एक दूसरे के साथ और भौतिक वातावरण में परस्पर निर्भर और परस्पर जुड़े होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं. उदाहरण के लिए वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि. इट इज़ अ नेचुरल यूनिट दैट कंसिस्ट्स ऑफ नॉन लिविंग लैंड वाटर एंड एयर एंड लिविंग एलिमेंट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. एक प्राकृतिक इकाई जिसमें गैर जीवित भूमि जल और वायु और जीवित तत्व जैसे पौधे और जानवर होते हैं. द बायोस्फीयर आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट रीजंस called biomes and aquatic life zone wherein each zone has its own physical conditions and unique assemblies of organisms.
जीव मंडल में अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिन्हें जीवमितीय और जलीय जीव क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भौतिक स्थिति और जीवों का अनूठा संयोजन होता है। द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो फंक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉर्मिंग ए डिफाइंड सिस्टम। जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे से संबंधित हैं और एक संगठित तरीके से कार्य करते हैं, एक निश्चित प्रणाली बनाते हैं। द बायोस्फीयर देयरफॉर इज रेफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम एंड बायोम्स आर द रीजनल इकोसिस्टम। इसीलिए जीवमंडल को वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप से जाना जाता है और जीव मितीय क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र से भी कहते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र हमको दिखाया गया है और उसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है, जैसे कि सनलाइट एंड हीट, सूरज की रोशनी या गर्मी, टर्माइट माउंड्स, दीमक का टीला, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी मीन्स होता है कवक, जो मशरूम जैसा हमको दिखाई देता है। जो बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो ज़मीन में पत्थरों के बीच में या फिर ईंटों के बीच में छोटे छोटे मशरूम आपको दिखाई देते हैं। प्लैंकटन पानी में तैरते हुए जीव, जो गंदा पानी होता है उसमें एक छोटे छोटे जीव हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। अलगी, अलगी मीन्स काई, जब पानी सड़ता है तो उसमें नीलापन या कालापन की काई पड़ जाती है जो बहुत ही चिकनी होती है। प्रोटोजोन्स मतलब जीवगण, छोटे छोटे कीटाणु। रोटिंग लॉग मतलब सड़ते हुए लकड़ी के टुकड़े, जो हमें बहुत ही कम दिखाई देता है, जैसे गंदे पानी में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं लेकिन हम नहीं जानते कि इनको क्या बोला जाता है। ह्यूमन एनवायरमेंट्स मानव पर्यावरण, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन द नेचुरल एनवायरमेंट एंड अडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण के साथ बातचीत करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे संशोधित करता है। आरंभिक मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहते थे और परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेते थे। विद पासिंग ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज्ड एंड दे मॉडिफाइड मैनी इकोसिस्टम विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। समय बीतने के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और उन्होंने विभिन्न गतिविधियों के साथ कई पारिस्थितिकी प्रणालियों को संशोधित किया। माइनिंग, लम्बरिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हैव सिग्निफिकेंटली चेंज द एनवायरमेंट। खनन, लकड़ी का काम, खेती, उद्योग, परिवहन आदि कुछ ऐसी मान्य गतिविधियाँ हैं जिन्होंने पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप में बदल दिया है। दिस हैज डिस्ट्रप्टेड द इकोलॉजिकल बैलेंस्ड एंड थ्रेटनड आवर वेरी एक्सिस्टेंस ऑन अर्थ। उसने पारिस्थितिक संतुलन को बाधित किया है और पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। हमें यह समझना चाहिए कि प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन आवश्यक है। मनुष्य को अपने पर्यावरण को स्वभाव से जीना और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर बट द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्पीड ऑफ एग्रीकल्चर गेव राइज टू अर्बनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन। प्रारंभिक मानव प्रगति के साथ सद्भाव में रहते थे लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण तेजी से औद्योगिकरण और कृषि के प्रसार से शहरीकरण के अति बिछड़ेपन को जन्म दे दिया। एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण वैश्विक गर्मी की वृद्धि हुई।
दिस चैप्टर इज कम्प्लीट।